नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आपका करियर प्लैनेट की ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, टेली प्राइम का फिर से एक नया रिलीज आ चुका है, टेली प्राइम रिलीज 2.0.1। जी हाँ दोस्तों, इस नए रिलीज में दो महत्वपूर्ण बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। एक तो बॉटम बार अब सॉफ्टवेयर में इंट्रोड्यूस कर दी गई है, साथ ही साथ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो मैसेजेस होते हैं, जो नोटिफिकेशंस होते हैं, वो भी हमें अब टेली प्राइम में देखने को मिलेंगे। तो नए बदलावों को जानने से पहले, नए फीचर्स को समझने से पहले, हम अपने टेली सॉफ्टवेयर को अपडेट किस तरह से करेंगे ये जानेंगे। यदि आपके पास लाइसेंस वर्जन है तो आपको अपने टेली सॉफ्टवेयर को किस तरह से अपडेट करना है, यदि आपके पास एजुकेशनल वर्जन है तो किस तरह से अपडेट करना है। अपडेट की पूरे प्रोसेस को समझने के बाद हम नए फीचर्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अभी हम टेली प्राइम का रिलीज 2.0 यूज़ कर रहे हैं। यदि आप देखना चाहते हैं कि अभी आपके पास करंटली कौन सा वर्जन है या कौन सा रिलीज आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको हेल्प मेनू का यूज़ करना है। हेल्प मेनू के अंदर आपको लास्ट में एक सेक्शन दिया गया है अबाउट। अबाउट में आप देखिएगा कि आपके पास कौन सा रिलीज अभी है, और अभी हम लोग टेली प्राइम का रिलीज 2.0 यूज़ कर रहे हैं, और जो लेटेस्ट रिलीज आ रहा है वो है 2.0.1। और हेल्प के साथ आप एक रेड डॉट देख रहे हैं। ये रेड डॉट आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि नया रिलीज या नया अपडेट अब अवेलेबल है। तो इस हेल्प मेनू में ही जब आप अपडेट सेक्शन में जाएंगे, अपडेट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको नए रिलीज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, टेली प्राइम रिलीज 2.0.1। और यदि आपको रिलीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, तो आपको इसी स्क्रीन पर F12 प्रेस करना है। F12 में एक ऑप्शन दिया गया है, शो ऑल रिलीजेस। इस ऑप्शन को आप जब यस कर देंगे तो जो भी लेटेस्ट रिलीजेस होंगी उन सब की बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई देगी। और टेली प्राइम को अपडेट करने के लिए आपको इस डाउनलोड सेक्शन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे, आपको एक प्रोडक्ट अपडेट के लिए मैसेज बॉक्स डिस्प्ले होगा, टेली प्राइम रिलीज 2.0.1 इज डाउनलोडिंग। और तीन बटन आपको यहाँ अलग से दिए गए हैं। इस नए रिलीज के बारे में आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो नो मोर बटन का यूज़ कर सकते हैं। आप सेटअप को अपने सिस्टम में डाउनलोड करके बाद में उसे रन करते हुए अपडेट करना चाहते हैं तो डाउनलोड फ्रॉम वेबसाइट इस बटन का यूज़ कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में से ही अपने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट बटन का यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर इस लास्ट अपडेट बटन का यूज़ करेंगे, और टेली कुछ परमिशन आप चलेगा, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू, आप यस कर लीजिएगा। यस करने के बाद टेली फिर से रिस्टार्ट होगा, उसके लिए भी आपको परमिशन देनी पड़ेगी, आप यहाँ पर यस कर लीजिएगा, और कुछ ही सेकंड्स में टेली प्राइम अपडेट होते हुए रिस्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट होने के बाद यदि आप फिर से चेक करना चाहते हैं कि लेटेस्ट रिलीज कौन सा है या अपडेट हुआ या नहीं हुआ है, तो उसके लिए फिर से हेल्प मेनू में अबाउट सेक्शन। अब आप यहाँ देखिएगा, लेटेस्ट रिलीज 2.0.1 हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको यदि आपके पास लाइसेंस वर्जन है तो अपने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है। लेकिन यदि आपके पास एजुकेशनल वर्जन है, फ्री वाला वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसे आपको किस तरह से अपडेट करना है, उसके लिए आपको tellysolutions.com/download इस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट पर आपको लेटेस्ट रिलीज के बारे में सारी जानकारी भी मिल जाएगी, साथ ही साथ यहाँ से आप डाउनलोड बटन के माध्यम से इस लेटेस्ट रिलीज के सेटअप को अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं, और बाद में उसे इंस्टॉल करते हुए अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर सकते हैं। अब टेली प्राइम के इस लेटेस्ट रिलीज में हमें दो नए अपडेट देखने को मिल रहे हैं। पहला अपडेट, यदि आप किसी भी सेक्शन में जाएंगे, जैसे मैं वाउचर एंट्री में जा रहा हूं, तो यहां आपको नीचे की तरफ बॉटम में एक बार दिखाई दे रही है, तो ये एक नया अपडेट है। बॉटम बार के रूप में अब आपको शॉर्टकट कीज नीचे स्क्रीन में बॉटम में दिखाई देंगी। जो राइट हैंड साइड पर आपको बटन बार दिखाई दे रही है, इसे राइट बटन बार कहते हैं, और अब बॉटम में यानी स्क्रीन के नीचे एक और बटन बार आपको दिखाई देगी जहां पर सारे शॉर्टकट कीज डिस्प्ले होंगे। यदि आप डे बुक में जाएंगे तो डे बुक में भी आपको बॉटम बार दिखाई दे रही है, और ये सारी शॉर्टकट कीज जब हम पुराना वर्जन टेली ERP 9 यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पर काफ़ी फ्रिक्वेंटली हम इन शॉर्टकट कीज का यूज़ करते थे। यहाँ पर भी टेली प्राइम में उन्हीं शॉर्टकट कीज को बॉटम बार में डिस्प्ले कर दिया गया है। जिन शॉर्टकट कीज के साथ सिंगल अंडरलाइन है उन्हें हम अल्टर की के साथ यूज़ करते हैं, जिनके नीचे डबल अंडरलाइन है उन्हें हम कंट्रोल की के साथ यूज़ करते हैं। दूसरा जो अपडेट है वो है नोटिफिकेशन को लेकर। यदि आपका टेली प्राइम का TSS एक्सपायर हो चुका है तो उसका नोटिफिकेशन आपको इसी स्क्रीन के बॉटम में यहाँ पर दिखाई देगा,
उसी तरह से यदि आपने टेली प्राइम को रेंट पर ले रखा है तो रेंट का जो भी टाइम पीरियड है यदि वो एक्सपायर होता है या उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको नोटिफिकेशन के रूप में यहीं पर दिखाई देंगी। इस तरह से जो भी नए अपडेट्स आएंगे, नए रिलीजेज आएंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहीं पर अब डिस्प्ले होने लगेंगी। तो ये दो बदलाव आपको इस नए अपडेट में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यदि आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, यदि आप स्टेप बाय स्टेप टैली जीएसटी कोर्स के वीडियो ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो वो आप अब हमारी एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से भी देख पाएंगे। आप अपने गूगल प्ले स्टोर पर टैली जीएसटी कोर्स इस तरह से टाइप करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको करियर प्लैनेट की एंड्रॉयड ऐप दिखाई देगी। उसे आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरे कोर्स को सीख सकते हैं।